कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी लोअर PCS और RO जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसी के अंदर का एक टॉपिक है जिसको टिप्पणी वाला जो टॉपिक दिया हुआ है वो मैंने कहा था 3 से 4 क्लासेस लगेंगी। जैसे ही 4 क्लासेस कंप्लीट होंगी तो एक आपके मन में फ्रेम बन जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व एग्ज़ाम में करना है, कैसा क्वेश्चन आता है। ये 4 क्लासेस के बाद मैं एक दो एग्जाम्पल जब इसके बताऊँगा तो बहुत अच्छी इसकी कमांड आपके हाथ में आ जाएगी। और दूसरा, आप जब किसी भी किताब से इसको पढ़ेंगे तो आपको समझने में इसको आसानी होगी, ठीक है। लास्ट टाइम पे मैंने टिप्पणी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये सब चीज़ें पढ़ाई हुई थी। आज हम इसी से आगे को देखेंगे कि जो नेक्स्ट टाइप की जो टिप्पणी वो क्या है। तो हेडिंग लिखिए, आवती पर आधारित टिप्पणी। आवती मतलब होता है बच्चों जो बाहर से कोई लेटर वगैरह आता है, ठीक है। यानी जिसको PUC आपको बोल रहे थे, आवती पर आधारित टिप्पणी। सेकेंड टाइप का जो था ना, ये 3 बताए थे मैंने, उसके अंदर जो सेकेंड था यानी उसके यही वही वाला है, ठीक है। आधारित टिप्पणियाँ, टिप्पणी, आवती पर आधारित टिप्पणी लिख लीजिए, जो भी लिख लीजिए। और ये किसके द्वारा लिखी जाती है, ये अधिकारी नहीं लिखता है, ये सहायकों के द्वारा लिखी जाती है। ब्रैकेट में लिख लो सहायकों द्वारा, ठीक है। क्लैरिकल मतलब सहायकों द्वारा ये क्या की जाएगी, लिखी जाएगी। अब ये होगा कैसे, क्या करना है इसमें, देखिए सबसे पहले आपको इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें नीचे से लिखिए, सहायक स्तर की टिप्पणी का प्रमुख उद्देश्य, क्योंकि ये सहायकों के द्वारा लिखी जा रही है यानी इनके लेवल से ये शुरू होती है, तो क्या इसका इंटेंशन है, क्या इरादे, क्या उद्देश्य होता है वो देखना है, ठीक है। लिखो, सहायक स्तर की टिप्पणी का प्रमुख उद्देश्य, सहायक स्तर की टिप्पणी का प्रमुख उद्देश्य यानी किसके द्वारा लिखी जाएगी, सहायक स्तर। तो लिखो, सहायक स्तर की टिप्पणी का प्रमुख उद्देश्य अधिकारी के समक्ष, यानी जो आपका ऊपर अधिकारी होगा जिसको डिसीजन लेने की पावर होगी, ठीक है। अधिकारी के समक्ष, क्या लिखा आपने, सहायक स्तर की टिप्पणी का उद्देश्य अधिकारी के समक्ष आवती के विवरण को, यानी जो आया है लेटर बाहर से आया है उसमें क्या है, क्या चीज उसमें है, यानी आवती के विवरण को संगत नियमों के उल्लेख के साथ, यानी आपको क्या करना है, आवती का अधिकारी के समक्ष आवती के विवरणों को, यानी जो लेटर आया है उसमें क्या बात कही गई है उसको बताओगे, ठीक है। आवती के विवरणों को संगत नियमों के साथ, संगत नियमों के साथ संक्षेप में प्रस्तुत करना होता है। यानी कहने का मतलब है, आप क्या करोगे, जैसे ही सहायक स्तर पर टिप्पणी का जो प्रमुख उद्देश्य होता है अधिकारी के समक्ष आवती के विवरणों को, सपोज कोई लेटर आया हुआ है बाहर से, DM देहरादून के माध्यम से लेटर अगर शासन में आया है, कहीं पे भी आया है, इसमें क्या लिखा है, क्या डिमांड किया, आप तुरंत क्या करोगे, सहायक स्तर पे इसको लिखोगे, बताओगे अधिकारी को कि इसमें क्या चीज़ है, यानी अधिकारी के समक्ष आपने चीज़ों को रखना है, यानी ये नीचे के लेवल से आपको शुरू करना है, तो उसको बताओगे कि क्या है और वो विवरण होनी चाहिए उसमें कंप्लीटली और बहुत संगत होना चाहिए, यानी पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए और समराइज तरीके से होना चाहिए। तो क्या लिखा आपने, सहायक स्तर की टिप्पणी का उद्देश्य अधिकारी के समक्ष आवती के विवरणों को संगत नियमों के साथ संक्षेप में प्रस्तुत करना होता है, जिससे अधिकारी को निर्णय लेने में सुविधा हो, ठीक है। संक्षेप में प्रस्तुत करना होता है जिससे अधिकारी को निर्णय लेने में क्या हो, सुविधा हो। कहने का मतलब, अब आप देखो, ये ए है, ये क्लेरिकल स्तर पे है, सहायक स्तर पे, ये ऑफिसर्स है यानी अधिकारी के लेवल पे है, बाहर से कोई लेटर आया यानी PUC आई, पेपर अंडर कंसिडरेशन। अब इसमें क्या है क्या नहीं है ये इसको बताएगा, ये कंप्लीटली लिखेगा, एक नोट शीट पे लिखेगा, ठीक है। नोट शीट होती, मैंने बताया था आपको, और इसको बताएगा कि इसमें क्या है, क्या नियम हो सकते हैं, क्या विवरण है, उसका संक्षेप में लिख देगा ताकि अधिकारी सीधे पढ़ ले। अब बाहर से जो लेटर आया उसको क्यों अधिकारी के सामने आप रखोगे, उसको पढ़ने में 2 दिन लग जाएंगे उसको समझने में, ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट चेंज होते रहते हैं। तो इतना आपको खुद समझ आ जाएगा कि जैसे कोई ऑफिसर के सामने कोई चीज़ जैसे PUC जाती है, आपको ये ध्यान में रखना है कि यार उसको हमें संक्षेप में बताना है, समराइज करके बताना है और पॉइंट टू पॉइंट बताना है, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, देखो, सहायक स्तर की टिप्पणी का उद्देश्य अधिकारी के समक्ष आवती के विवरणों को संगत नियमों के साथ संक्षेप में प्रस्तुत करना होता है ताकि अधिकारी को निर्णय लेने में सुविधा हो, ठीक है। ये इस मतलब आवती पर आधारित टिप्पणी यानी सहायकों द्वारा लिखी जाती है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, मतलब इसके बाद इसका प्रयोजन, ठीक है, यानी पर्पज, क्या पर्पज है इसका। देखिए, इस प्रकार की टिप्पणी को सहायक नोटशीट पर अपने अधिकारी को आवती का क्रमांक व पत्राचार खंड का पृष्ठ लिखकर बताता है, यानी इसका प्रयोजन क्या है, आप लिखो, इस प्रकार की टिप्पणी में सहायक
नोट शीट पर। नोट शीट का मतलब क्या है, देखें फाइल होती है ना, एक साइड जो लेफ्ट साइड होता है उसको बोला जाता है नोट शीट, वो अलग कलर का होगा। राइट साइड पे जो होते हैं वो जो होते हैं नॉर्मल जीओ वगैरह होते हैं, यानी जो लेटर वगैरह आए होते हैं इसको बोलते हैं नोट शीट। ठीक है, यहाँ लिखेगा तो लिखो सहायक स्तर की टिप्पणी का प्रमुख उद्देश्य आपने क्या लिखना है, इसमें लिखना है। ठीक है, देखो इस प्रकार की टिप्पणी में सहायक नोट शीट पर अपने अधिकारी को आवती का क्रमांक यानी लेटर नंबर जो बाहर से आया है, आवती का क्रमांक यानी कौन सा लेटर नंबर होगा ना जो आया है, आवती का क्रमांक वह पत्राचार खंड का पृष्ठ लिखकर बताएगा कि कौन से पृष्ठ पर है, अभी बताऊंगा। ठीक है, वह पत्राचार खंड का पृष्ठ लिखकर यह बताता है कि अब देखिए, अब क्या बताएगा, ये जो सहायक स्तर का आदमी है वो नोट शीट पर लिखेगा और आवती का क्रमांक ऐसे बोलेगा, देखो कृपया, क्या बोलेगा, कृपया विचाराधीन पत्र या आवती संख्या इतना, जैसे बाहर का लेटर आया है डीएम देहरादून के दिनांक इतने का मतलब क्या करना चाहें, अवलोकन करना चाहें या देखना चाहें या इसको कंसीडर करना चाहें, कुछ इस प्रकार का लिखेगा। ठीक है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। उसके बाद पूरा बताता है उसमें कि ये लेटर में क्या क्या है और लिखेगा कहाँ नोट शीट पे। क्या बताएगा, जैसे देखो प्रेषक ने क्या मांग की, यानी भेजने वाला जो है, इसी पॉइंट को आपने ध्यान रखना है, इन्हीं से आपका काम बनेगा जो प्रैक्टिकली होगा। प्रेषक ने क्या मांग की, यानी अगर डीएम देहरादून की ओर से लेटर आया है तो क्या डिमांड की गई है, सपोज उसने क्या मांग की है। हो सकता है कि जो लेटर डीएम देहरादून ने आया है उसमें ये कहा गया हो कि जो कोरोना है, कोविड के दौरान राहत कार्यों के लिए या जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं या जो फ्रंटलाइन काम कर रहे हैं उन लोगों को मास्क का वितरण करने के लिए, पीपी किट देने के लिए 2 करोड़ रुपए की जो मतलब राशि मांगी गई, तो आप तुरंत बताओगे कि अपने पत्र के माध्यम से डीएम देहरादून द्वारा कोरोना महामारी के दौरान फ्रंटलाइनर वर्कर हेतु पीपी किट के लिए इतने रुपए की डिमांड की गई है। ये इस प्रकार से आप उसको बताओगे। ठीक है, सेकेंड, उस मांग का क्या कारण है, यानी मांग का कारण लिखो, उस मांग का क्या कारण है, यानी क्यों उसने मांगा है। आपने बता दो कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए इन्होंने अपना मतलब काम करना है, तो इसके लिए इन्हें चाहिए ताकि खुद वो संक्रमित ना हो सके और दूसरों को संक्रमण से बचा सके। तीसरा, उसके संबंध में नियमों की स्थिति क्या है, यानी आप अगर पैसा मांग रहे हो अपने अधिकारी को बताओ क्या ऐसा कोई प्रयोजन है, कोई ऐसा पर्पज है कि हमने कभी इस चीज़ के ऐसे पैसे दिए हैं, या कोई ऐसा रूल है कि अगर वो पैसा मांग रहे तो हम उसको देख सकें। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट लिखना है आपको, क्या उसके संबंध में नियमों की स्थिति क्या है, थर्ड पॉइंट, उसके संबंध में नियमों की स्थिति क्या है। ठीक है, यानी क्या कंडीशन है उसके संबंध में, जो पैसा वगैरह जो भी डिमांड की है उसने, उसके संबंध में नियमों की स्थिति क्या है। उसके बाद बताओगे चौथा पॉइंट, कार्यालय में काम की स्थिति को देखते हुए उस मांग का औचित्य कितना है, यानी क्या आपकी जो उसने डिमांड की है और एक यही काम तो है नहीं ऑफिस में बैठ के, क्या और वर्क से ऊपर उस काम को रखा जाए, क्या पहले उस चीज़ को कंसीडर किया जाए, कितनी वो डिमांडिंग चीज़ है, कितनी वो वैल्यूएबल चीज़ है उस चीज़ को, यानी फोर्थ पॉइंट लिखोगे कार्यालय में काम की स्थिति को देखते हुए उस मांग का औचित्य कितना है। ठीक है, कार्यालय में काम की स्थिति को देखते हुए मांग का औचित्य क्या है। ये यानी आपने ये जो पॉइंट हैं ये बताने हैं। जैसे मैंने क्या कहा, आपका एक लेटर आया, आवती आई, ठीक है, बाहर से पत्र आया, अब आपके दिमाग में आपको बताया कि अधिकारी को, डायरेक्ट अधिकारी से, क्या आपको तो फाइल पहुंचानी है ना वहाँ। आप उस लेटर को जैसे पढ़ोगे, अधिकारी को बताओगे कृपया विचाराधीन पत्र या आवती पत्र पत्रांक जिसका पत्रांक इतना दिनांक इतना है का अवलोकन करना चाहे। फिर नीचे से पॉइंट नंबर 2, विचाराधीन पत्र के माध्यम से पूरा बता दोगे क्या मांग की है, तुरंत उसको बता दोगे समरी करके। उसके बाद अगला पॉइंट लिखोगे उसके संबंध में नियमों की स्थिति क्या है, यानी क्या कंडीशन है। आप लिखोगे हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा या भारत सरकार की गृह मंत्रालय के SOP इतने के माध्यम से जो भी कंडीशन है, ठीक है, जो भी नियम है वो सब प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं आपको। स्थिति क्या है, मांग का कारण क्या है, क्यों उसने वो डिमांड की है, और क्या हमें उस चीज़ को अभी कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप उसको अधिकारी को इन चीज़ों के बारे में हल्का फुल्का आइडिया दोगे कि हाँ सर, मत सर नहीं लिखोगे,
इस प्रकार से इसमें निर्णय लिया जा सकता है। कृपया निर्णय लेना चाहें, ये करें वो करें, जो भी लिखना है ठीक है, आप उसमें इसके बाद देखोगे। जैसे ही आपने इतना लिखा, लास्ट में क्या लिखोगे, अगले लाइन से लिखो, अंत में टिप्पणीकार अपना सुझाव भी देता है, यानी आप अपना सुझाव दे सकते हैं कि इसमें दिया जा सकता है, निर्णय लेना चाहें। अब वो आपने ये नहीं कहा दे दो, आपने कहा पैसा दिया जा सकता है, निर्णय लेना चाहें, आपने सुझाव दिया है ना, बाकी डिसीजन तो ऊपर वाला लेगा। तो लिखो, अंत में टिप्पणीकार अपना सुझाव भी देता है, अंत में टिप्पणीकार अपना सुझाव भी देता है, और यदि उसे अधिकारी के अनुमोदन का पूरा विश्वास हो। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, हम जानते हैं कि हमने सही लिखा है, ऑफिसर इसको अप्रूवल देगा ही देगा, रोकने का मतलब ही नहीं है, रोकेगा तो उसी को गाली पड़ेगी, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो नियम संगत हैं, जो देना आवश्यक हैं, तो अधिकारी नहीं रोकते हैं, जो सीधा सीधा मामला है ठीक है। तो लिखो, अंत में टिप्पणीकार अपना सुझाव भी देता है, और यदि उसे अधिकारी के अनुमोदन का पूरा विश्वास है, यदि उसको अधिकारी के अनुमोदन यानी अप्रूवल ठीक है कि ये फाइल को साइन कर देगा, यदि उसे अधिकारी के अनुमोदन का पूरा विश्वास है, तो वह उसके उत्तर का मसौदा भी, यानी उसको उत्तर जो होगा यानी जो जवाब होगा उसका एक प्रारूप एक ड्राफ्ट बना के भेज दोगे आप, अभी बताता हूँ ठीक है। अनुमोदन का पूरा विश्वास होता है तो वो उसके उत्तर का मसौदा भी, क्या लिखा आपने, आपने लिखा होगा अंत में टिप्पणीकार अपना सुझाव भी देता है, और यदि उसे अधिकारी के अनुमोदन का पूर्ण विश्वास हो, तो वह उसके उत्तर का मसौदा, तो वह उसके उत्तर का मसौदा भी अनुमोदनार्थ, अनुमोदनार्थ यानी अनुमोदन करने हेतु ठीक है, अप्रूवल करने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर देता है ठीक है, अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर देता है। तो ये थी आपकी आवृत्ति पर आधारित टिप्पणी, कुछ नहीं है। अब देखो इसको समराइज करेंगे ठीक है, कैसे है? यहां से आपका एक लेटर आया, कहीं से भी आवृत्ति, पेपर अंडर कंसिडरेशन, यानी अपने आप में विचाराधीन पत्र, इसका कोई नंबर होगा, लेटर नंबर, पत्रांक, और इसकी कोई डेट होगी, दिनांक ठीक है। आपके ऑफिस में आया, तुरंत कहां आया, ये आपका ऑफिस है, आपके ऑफिस में आया, ये आपका ऑफिस है, और किसी क्लरिकल लेवल के इंसान को, सहायक स्तर के इंसान को ये पीयूसी दे दी गई। उसने क्या करना है, उसको पता है कि इसमें ये डिमांड की गई है, और ये लेटर जाना है ऊपर, ऊपर कहाँ, अधिकारी के स्तर पे, अधिकारी के स्तर में उड़ के नहीं जाएगा ठीक है। स्टेप मैंने बताया था क्या, जैसे सेक्शन, सेक्शन से निकला सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, फिर इसके बाद सीएम वगैरह, यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी होता है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सीएम, यानी चीफ सेक्रेटरी फिर सीएम ठीक है, चीफ सेक्रेटरी, अंत में चीफ मिनिस्टर, यहाँ तक की पूरी जो चयन होती है। अब डिपेंड करता है कि इस पर निर्णय जो लेटर आया है वो किस लेवल, हो सकता है वो जॉइंट लेवल से निर्णय हो सकता है एडिशनल सेक्रेटरी लेवल से हो सकता है सेक्रेटरी लेवल से हो, कहीं भी हो सकता है ठीक है, वो जहाँ भी होता है वो कोई दिक्कत नहीं। अब देखें आपने क्या किया, पीयूसी में लिख दिया कृपया विचाराधीन पत्र, आप उसके बाद फाइल बढ़ेगी ठीक है, ऑफिस में आया, फाइल होती है, फाइल के ऐसे दो दो साइड होते हैं, इसको बोलते हैं नोट शीट, मैंने पहले बताया था, और यहाँ पर लगेगी आपकी पीयूसी वगैरह जो भी है, इस साइड एक साइड ठीक है। तो बताओगे आप कृपया विचाराधीन पत्र, पत्र डीएम देहरादून के पत्रांक संख्या इतना, दिनांक इतने का अवलोकन करना चाहें, उसके बाद नीचे पॉइंट नंबर टू लिखोगे, टोटल बताओगे उसमें उसने क्या मांग की है, क्या कंडीशन है, क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, और लास्ट में अगर आपको ये लगता है कि हाँ आपका अधिकारी इसको अप्रूव कर देगा, तो अब डीएम आपके अधिकारी ने साइन कर दिया, अप्रूवल दे दिया, तो आप डीएम देहरादून को जवाब भी तो दोगे ना, लेटर आएगा ना डीएम देहरादून के वहाँ की क्या किया गया था, उसी को बोलते हैं मसौदा, जो ड्राफ्ट मैंने कहा ना लास्ट में लिखा है, इसका मसौदा भी तैयार कर देता, वो मसौदा क्या होगा, इसकी ओर से जाएगा अधिकारी की ओर से, जैसे जो लेटर आया था वो किसकी ओर से आया था, आपका डीएम दून की ओर से आया था ठीक है, देहरादून। अब आपने उसका जवाब लिखा, आपने शासन स्तर पर निर्णय किया, फाइल बड़ी और अधिकारी ने आपके साइन कर दी, तो जब आप साइन करने के बाद आपको मंजूरी मिल गई तो इसको भी तो पता करना चाहिए, उसको भी तो जवाब जाएगा ना, तो उसी को बोलते हैं बच्चों ड्राफ्ट यानी मसौदा। मसौदा अब पहले वो डीएम देहरादून की ओर से आया था, अब रिटर्न उसको जा रहा है, तो मसौदे में प्रेषक कौन होगा, भेजने वाला कौन होगा, सचिव, जिसके नाम आया था लेटर ठीक है, जिसके नाम आया था, फिर उसमें टोटल दोगे कि आप कृपया अपने पत्र संख्या इतना, दिनांक इतने का अवलोकन करना चाहिए, जिसके माध्यम से आपके द्वारा शासन स्तर पर कोरोना महामारी के दौरान जो फ्रंटलाइनर वर्कर हैं उनको पीपीई किट और मास्क उपलब्ध कराने हेतु 2 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, शासन स्तर पर सम्यक विचारों उपरांत, यानी सम्यक शासन स्तर पर सम्यक विचारों उपरांत, यानी सम्यक पूरी तरीके से विचार विमर्श करने के बाद, यानी सम्यक विचारों उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि जो मतलब कोरोना के दौरान कोरोना महामारी या बचाव के लिए पीपीई किट उपलब्ध कराने हेतु आपके
आपके पटल पर 2 करोड़ रुपए की धनराशि को क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, तथा इसके लिए आपका मतलब या बैंक ड्राफ्ट इतना, दिनांक इतना इस लेटर के साथ संलग्न है, या आरटीजीएस के माध्यम से, आरटीजीएस नंबर इतने के माध्यम से डीएम देहरादून के खाते में हस्तांतरित करना कर दिया गया है, कृपया तत्संबंध में अवगत होना चाहेंगे। ये होता है मसौदा, यानी आपने उसको जवाब दे दिया, आपने रिटर्न में उसको क्या कर दिया, लिखित दे दिया, उसी को बोलते हैं मसौदा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सहायक स्तर की टिप्पणी को समझ रहे हैं बच्चों, ये ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक मैं इसको प्रैक्टिकली आपको 2-3 लेटर ना कराऊं। और जिस दिन समझ लो टिप्पणी वाला अगर क्वेश्चन फंसाने वाला आएगा तभी पेपर में टिप्पणी आएगा, वरना टिप्पणी नहीं आएगी। टिप्पणी हल्का फुल्का क्वेश्चन सरकारी, अर्ध सरकारी, परिपत्र कार्यालय, गांव कार्यालय आदि इनसे आएगा। टिप्पणी का क्वेश्चन आने का मतलब पेपर का लेवल हार्ड है, यानी ठीक ठाक पेपर आया, नॉर्मल पेपर नहीं आया होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इसको समरी लिखो, संक्षिप्त में क्या करना है आपको समझना है नीचे। ठीक है, संक्षिप्त रूप में ये आपको समझ लेंगे। पहला देखिए, आवृत्ति का विषय लिखोगे आप, किस सब्जेक्ट पे है आवृत्ति का विषय, समरी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपने लिखना है आपको कारण, क्यों मांगा गया है, वो कारण क्या है उसका। ठीक, थर्ड पॉइंट आप इसके अंदर लिख लोगे नियम क्या है, यानी क्या रूल के तहत हम दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। फोर्थ नियम के लिखोगे कार्यालय में कार्य की स्थिति, कितना वर्कलोड है कार्यालय में, कार्य स्थिति। ठीक है, कितना वर्क वहां पर हो रहा है। और फिफ्थ पॉइंट आप लोग लिखोगे सुझाव, क्या किया जा सकता है, या ये इस प्रकार से एक सहायक क्या करता है, अपनी टिप्पणी को लिखता है। अब बाई चांस आप पेपर में चले गए और पेपर में जाते ही आपके कुछ समझ में नहीं आया, पेपर में आ गया क्वेश्चन, क्या करना है, कैसे करना है, तो एटलीस्ट आपको ये तो पता चल गया ना कि आवृत्ति का विषय आप लिख सकते हैं। आप एटलीस्ट देखिए, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन आ गया, आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से आ गया, ठीक है, यही क्वेश्चन आ गया, जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से, जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से एक पत्र, यानी एक पत्राचार किया गया शासन स्तर पर। ठीक है, यानी सचिव आप लोग लिखिए, मुख्यमंत्री कर लीजिए, सचिव मुख्यमंत्री लेवल पर एक पत्राचार किया गया, जिस पत्र के माध्यम से किसके द्वारा, डीएम देहरादून के द्वारा कोरोना महामारी के दौरान पीपीई किट तथा मास्क के वितरण हेतु 2 करोड़ रुपये की धनराशि को मांगा गया है। ठीक है, इस हेतु शासन स्तर पर होने वाले समस्त क्या लिखोगे आप, शासन स्तर पर होने वाले निर्णय के संबंध में एक टिप्पणी लिखी, यानी शासन स्तर पर जो डिसीजन लेना है उसके लिए सहायक स्तर पर एक टिप्पणी लिखी, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो आंख पैर नाक वहीं सुन्न हो जाएं, इससे बेहतर है घर पे एक आध दिन प्रैक्टिस करोगे। इसी क्वेश्चन को आज टेलीग्राम ग्रुप पे दिया जाएगा, तब देखता हूं कैसा लिखते हो। तो जैसे शुरुआत करोगे, शुरुआत कैसे करोगे, ये आपका क्वेश्चन दे दिया, चलो क्वेश्चन ही लिख लो, आप लोग इस क्वेश्चन को लिख ही लो। क्वेश्चन लिखो, जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से शासन स्तर पर सचिव माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्राचार किया गया, जिलाधिकारी देहरादून के द्वारा शासन स्तर पर सचिव माननीय मुख्यमंत्री के साथ एक पत्राचार किया गया, जिसके माध्यम से जिलाधिकारी देहरादून द्वारा कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फ्रंटलाइन वर्कर हेतु पीपीई किट तथा मास्क के वितरण हेतु 2 करोड़ रुपए की धनराशि मांगी गई है, यानी 2 करोड़ रुपए की धनराशि की डिमांड की गई है। इस संबंध में शासन स्तर पर होने वाले समस्त कार्यवाही के संबंध में टिप्पणी लिखिए, सहायक स्तर की टिप्पणी लिखिए, ऐसा लिखना है। इस संबंध में शासन स्तर पर होने वाली कार्यवाही के संबंध में सहायक स्तर से टिप्पणी लिखिए, ठीक है, यानी सहायक स्तर से एक नोटशीट बनाइए, ऐसा आपका क्वेश्चन आ गया। तो आप क्या करोगे, देखो आपने आंसर लिखा, आपने क्या लिखा, जैसे आपको टिप्पणी ऐसे लिखना है, टिप्पण लिखना है, ठीक है, इस प्रकार से टिप्पणी लिखना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि कहां से इसकी शुरुआत करनी है, इसकी शुरुआत कैसे करनी है, क्या करनी है, वो आपको देखना है, ठीक है, देखिए कैसे इसको शुरू करना है, ठीक है। सबसे पहले अपने रफ में लिख लेना, मैंने परसों आपको बताया ना कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, सबसे नीचे होता है सेक्शन ऑफिसर, ये यहां से माना जाता है कि लिखता है समीक्षा अधिकारी, माना जाता है कि यहां से लिखा जाता है, ठीक है, इसके लेवल से होता है सेक्शन के।
उसके बाद लिखो अंडर सेक्रेटरी यानी अनुसचिव लिखोगे, क्या लिखोगे अंडर सेक्रेटरी, उसके बाद लिखोगे डिप्टी सेक्रेटरी यानी उप सचिव लिखोगे, ठीक है हिंदी में, उसके बाद लिखोगे ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी का मतलब होता है संयुक्त सचिव, उसके बाद लिखोगे एडिशनल सेक्रेटरी यानी अपर सचिव, उसके ऊपर आता है सेक्रेटरी यानी सचिव, उसके बाद आता है ACS यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यानी एडिशनल अपर मुख्य सचिव लिखोगे हिंदी में, ठीक है, लास्ट में आता है चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव, और अंत में आता है CM चीफ मिनिस्टर, ठीक है। इस प्रकार से एक चैन बनी है आपकी, ये सबसे ऊपर ऊपर की ओर SO सेक्शन ऑफिसर यानी अनुभाग अधिकारी, अनुसचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव, अपर सचिव, सचिव, अपर मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, इस प्रकार से चयन बनी है। तो आपको टिप्पणी कैसे लिखना है, देखो आप मान के चलो कि शुरुआत कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, यहाँ पे इस लेवल से शुरू होता है, ठीक है, कहाँ से होता है शुरू, इस लेवल से होता है स्टार्टिंग। तो आपने किसको संबोधन करना है, आप डायरेक्ट ये नहीं कि सेक्रेटरी को लिख दो यहाँ से, एडिशनल सेक्रेटरी को, या डायरेक्ट यहाँ से, ये बच्चों एक सिस्टम होता है उचित माध्यम बोला जाता है, मैंने क्या कहा इस शब्द को हमेशा डालना है आपको, उचित माध्यम, ठीक है, ये होता है उचित माध्यम। उचित माध्यम का मतलब ये मीडियम बने हैं, ऐसे जाना है, ये नहीं कि यहाँ से उड़ के सीधे इसको लिख दिया। तो सेक्शन स्तर से शुरू हो रहा है, तो आप किसको संबोधन करोगे, अंडर सेक्रेटरी को, तो देखो अनुसचिव, अनुसचिव, ठीक है, किसका अनुसचिव, एक ही अनुसचिव थोड़ा होगा, अब ध्यान रखना सचिव माननीय मुख्यमंत्री का है, तो सचिव माननीय मुख्यमंत्री का है, तो हर किसी विभाग के यही चयन सिस्टम होता है शासन में, ठीक है, चाहे आपदा का हो, ग्रह का हो, हेल्थ का हो, या इसके अलावा एजुकेशन का हो, यही सिस्टम रहेगा। तो ये सचिव माननीय मुख्यमंत्री का है, तो अनुसचिव भी किसका होगा, मुख्यमंत्री का, देखो अनुसचिव माननीय मुख्यमंत्री, आपने ऊपर से ऐसे लिखा है, ठीक है, ऐसे डालोगे, ऐसा करोगे, फिर यहां से लिखोगे थोड़ा सा गैप छोड़ के, कृपया, कृपया विचाराधीन पत्र लिखोगे, वॉप वी पॉ लिख देना, ठीक है, विचाराधीन पत्र, किसका पत्र आया है वो विचाराधीन पत्र, डीएम देहरादून, जिलाधिकारी देहरादून, ठीक है, कृपया विचाराधीन पत्र जिलाधिकारी देहरादून, दिनांक जिस डेट का होगा कोई बात, ठीक है, दिनांक जो भी डेट होगा, का अवलोकन करना चाहें, का अवलोकन करना चाहें, इतना आपने स्टार्टिंग करनी है, ये हर नोटिंग में यही लिखना है आपको, ठीक है, जिसको भी लिखोगे अपने बड़े वाले स्तर को, जिसका लेटर आएगा उसका, जिस डेट का आएगा, का अवलोकन करना चाहें, इस प्रकार से आपको इसको लिखना है, का अवलोकन करना चाहें। जैसे ही आपने ये लिखा, इसको लिखने के बाद आपसे मैंने क्या कहा था, थोड़ा सा इस कोने से पॉइंट नंबर टू लिखना, एक नहीं लिखते हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर टू लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, मैंने अभी जो पॉइंट बताए हैं, क्या मांग की गई है, प्रेषक ने क्या मांग की है, तो लिखो यहां से लिखोगे, विचाराधीन पत्र के माध्यम से, विचाराधीन पत्र के माध्यम से, अब क्या करना है, समराइज करना है उसको, ठीक है, तो आप पूरा लिखना, कैसे लिखोगे, विचाराधीन पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी देहरादून द्वारा कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उसके रोकथाम और बचाव कार्य हेतु फ्रंटलाइनर वर्कर्स की को PPE किट तथा मास्क के वितरण किए जाने की क्या की गई है, मतलब वितरण किए जाने की, वितरण किए जाने हेतु इतने रुपए धनराशि की मांग की गई है, ठीक है, इतना आपने लिख दिया, समरी कर दी उसको टोटल। उसके बाद आपने क्या लिखोगे, पॉइंट नंबर थ्री उसी के इसके नीचे लिखोगे, जो भी आप ये मान के चलना, हमने नियमों की स्थिति बताई, आपने एग्जैक्ट वही थोड़ा लिखना वहाँ आंसर जो रियल में हुआ होगा, आपको एक समरी पता होनी चाहिए कि हाँ ऐसा होता है। अब आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर थ्री में मैंने क्या कहा था, नियमों की क्या स्थिति है, अब कोई इंसान आपसे पैसा मांग रहा है, यानी कहीं ना कहीं उसको ये पता होगा कि शासन स्तर पे या सरकार के स्तर पे इसके लिए कोई ना कोई रूल है, तभी तो पैसा मांगेगा, कोई ना कोई जीओ आया होगा, गवर्नमेंट ऑर्डर आया होगा, कोई ना कोई आदेश हुए होंगे, उसी के बिहाफ पे तो पैसा मांग रहा है, तो अधिकारी को आप तुरंत बताओगे कि क्या कभी ऐसा हुआ था, तो लिखोगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखोगे, शासन के कार्यालय आदेश संख्या या शासन के आदेश संख्या, कोई ऐसा आदेश संख्या, ठीक है, आदेश संख्या जो भी होगा, जैसे आदेश संख्या लिख दिया आपने 104, कोई विभाग का कोड होगा, XXX ऐसे लिख दिया आपने, 20 लिख दिया, जिस ईयर में हुआ होगा, सपोज 2019-20 का ये ऑर्डर था, ठीक है, इस ऑर्डर का, ये 104 होता है बच्चों डिस्पैच नंबर, जिससे कि मतलब वो ऑर्डर जारी होता है, ये उसका कोड होता है जिस विभाग का होता है, और ये ईयर होता है जिस ईयर में वो ऑर्डर हुआ होगा, ये कोई कोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपने लिखा शासन के आदेश संख्या इतना इस आदेश से, और किसी न किसी डेट पे हुआ होगा, कॉमा करके दिनांक, सपोज 20, अभी 19-20 है तो 19-20 का ही होना चाहिए, ठीक है, पता लगा यहाँ 2024 लिख दिया और यहाँ 19-20 चल रहा है, दिनांक 20 अप्रैल
2019, ताकि अब देखो ये 19-20 है, 19-20 कब से होगा, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, ये तो होगा ना ये फाइनेंशियल ईयर। तो देखो शासन के पत्र संख्या ना शासन के आदेश संख्या इतना दिनांक इतने के माध्यम से कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम व बचाव कार्य हेतु क्या किया गया, धनराशि वितरित की जा सकती है, ऐसा लिखोगे। यानी कहीं ना कहीं आपने क्या लिख दिया, रूल लिख दिया। अतः तत्संबंध में जिलाधिकारी देहरादून के द्वारा की गई मांग उचित प्रतीत होती है, यानी आपने ये नहीं कहा कि सही है मांग, ठीक है, उचित प्रतीत होती है। इसके संबंध में जिलाधिकारी देहरादून को मुख्यमंत्री मतलब सचिव माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से इतने इतने की धनराशि का वितरण किया जा सकता है, कर दो नहीं कहा आपने, ठीक है, किया जा सकता है। तीन पॉइंट आपने लिख दिए। फोर्थ पॉइंट, जैसे ज्यादा पॉइंट पॉइंट नहीं लिखने, ठीक है, मैक्सिमम फोर पॉइंट होने चाहिए, बड़ी नोट शीट है तो, और हो सके तो तीन पॉइंट में खत्म करने की कोशिश करना। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखना है, ठीक है, जैसे आपने लिखा किया जा सकता है, अब लिखना है आपको, आपने ये नहीं कहा कि पैसा दे दो, आपने तो उसको अधिकारी को बता दिया कि उसने क्या डिमांड की है, क्या हो सकता है, आपने कहा दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे ही आपने दिया जा सकता है, तीन पॉइंट में आपका ये एंड हो गया। उसके बाद यहां पर लिखोगे लास्ट में लिखोगे तद संबंध में पत्रावली यानी फाइल को उचित माध्यमों से, ये फिर इसको हाईलाइट कर देना, उचित माध्यम मैंने फिर बताया था आपको, उसी चैन से जाएगा, उड़ के नहीं, पत्रावली को उचित माध्यमों से किसके पास भेजना है आपने, जो डिसीजन लेने की पावर है, जिसने डीएम ने जिसको लिखा था सचिव, उचित माध्यमों से सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी को, सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्रावली भेजनी है, ठीक है। तत्संबंध में पत्रावली को उचित माध्यमों से सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी के अब क्या लिखना है आपको, अनुमोदन के लिए भी हो सकता है, क्योंकि आपने तो लिख दिया अप्रूव करवाना है, ठीक है। तो तत्संबंध में पत्रावली को उचित माध्यमों से सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना चाहे, ठीक है, ये इस प्रकार से, ठीक। आपने ये पूरी नोटशीट लिख ली, यानी आपने टोटल भेज दिया, और आप यहाँ पर क्या करोगे, हस्ताक्षर कर दोगे, यानी आपने सपोज अनुसचिव को लिखा है, सेक्शन ऑफिसर ने लिखा है, तो जो भी है, जैसे आपने कुछ भी लिख दिया, इस प्रकार से साइन कर दिए, और यहाँ डेट लिख दी, और जैसे आज कितनी है डेट, 25/4 जो भी होगा, ठीक है, 2022, और यहाँ अपना पद नाम लिख दिया, यानी अनुभाग अधिकारी ऐसे लिख दिया आपने, अनुभाग अधिकारी आपने लिखा। आप क्या करोगे, उसी के बगल में जिसको आपने लेटर भेजा है, जिसको भेजो, आप किसको भेजो, अनुसचिव को लिख के भेजो ना ऊपर नोटशीट में, अनुसचिव लिखोगे ऐसे, अनुसचिव, बस इसके नीचे हाईलाइट ऐसे लाइन डाल दो, अनुसचिव को आपने मार्क कर दिया, यानी अनुसचिव इसको पढ़ेगा, अनुसचिव जैसे पढ़ेगा, अनुसचिव साइन करेगा, अनुसचिव किसको भेजेगा, उपसचिव को लिख देगा, ऐसे मार्क छोड़ देगा, उपसचिव पढ़ेगा, अपना नाम काट के साइन करेगा, संयुक्त सचिव लिख देगा, संयुक्त सचिव अपना नाम काटेगा, अगला लिख देगा, और साइन करते करते ऊपर तक फाइल चली जाएगी। एक तरीका ये हो सकता है, अगर आपको लगा, मैंने बताया कि अधिकारी अनुमोदन कर देगा, अप्रूव कर देगा, तो मैंने क्या कहा, मसौदा भी तैयार करके भेजो, जो डीएम देहरादून को रिप्लाई में लिखोगे। तो सारा पॉइंट तक, तीन पॉइंट तक ठीक था, लास्ट में क्या लिखोगे, तत्संबंध में पत्रावली को उचित माध्यमों से सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदार्थ प्रस्तुत करना चाहें, साथ ही साथ ऐसा भी लिख सकते हो, मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करके पत्रावली में रख दिया गया है, यानी आप क्या लिखोगे, जैसे आपने यहाँ लास्ट वाला पॉइंट देखना, ठीक है, अगर एक तरीका तो ये है, आपको लगा कि मसौदा हम ड्राफ्ट भी भेज सकते हैं, तो लास्ट में क्या लिखना है, तत्संबंध में मसौदा तैयार कर, यानी इस साइड होगा वो मसौदा, ठीक है, तैयार कर पत्रावली पर रख लिया गया है, कृपया उचित माध्यमों से पत्रावली को सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदार्थ प्रस्तुत करना चाहें, बस
अब आपने टोटल क्या किया, डीएम देहरादून का लेटर आपके पास आया था, आपने नोटशीट लिखी, नोटशीट में बताया कि क्या क्या है क्या नहीं है, और आपने लास्ट में लिख दिया तत्संबंध में मसौदा तैयार कर पत्रावली पर रख दिया गया है, कृपया मसौदे को कृपया पत्रावली को माननीय मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन प्रस्तुत करना चाहे। फाइल उसी क्रम पे वहां पहुंची, जैसे ही वहां पहुंची माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव ने उसको पढ़ा और उसको लगा कि यार हाँ नियम है पैसा ऐसा दिया जा सकता है, पहले भी हमने दिया है तो पैसा हो सकता है, वो क्या करेगा लास्ट में फाइल पे ऐसे ऐसे साइन कर देगा, ठीक है, डेट लिख देगा और साइन इसी तरीके से फाइल जैसे गई है उसी चैन से फिर वापस आएगी, यानी जिस तरीके से गई ऊपर उसी में ऊपर से नीचे की ओर आएगी, और वो जो मसौदा भेजा है इधर, जैसे आपने मसौदा होगा लेटर, आप यहाँ प्रेषक कौन होगा उस टाइम जो भेजने वाला है, सचिव माननीय मुख्यमंत्री किसको सेवा में जिलाधिकारी देहरादून विषय लिखेगा, हाँ कोविड 19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को रोकथाम हेतु इतना इतना की धनराशि आवंटन विषय लिखेगा, अपने पत्र संख्या इतना दिनांक इतने का अवलोकन करना चाहें जिसके माध्यम से मतलब शासन स्तर पर इतने इतने की धनराशि इस महामारी को रोकने के लिए की मांग की गई थी जो कि आपके पटल पर रख दी गई है, कृपया तत्संबंध में अवगत होना चाहें, और नीचे लास्ट में अपने साइन किए होंगे उसके, यानी भवदी लिखा होगा साइन किए होंगे सचिव माननीय मुख्यमंत्री, बस ये इस प्रकार से कंप्लीटली आपकी क्या होती है प्रोसेस होती है। ये था सेकेंड डे का विजन किस चीज के लिए टिप्पण वाला, और ये 50 नंबर का क्वेश्चन है, 50 नंबर का क्वेश्चन आ गया पेपर में टिप्पण वाला, और हिंदी से कुछ नहीं आया, टिप्पण से ही क्वेश्चन आया, मान के चलिए मैक्सिमम बच्चे इसमें गोल हो जाएंगे, गोल का मतलब जिसकी विजन नहीं है वो सरकारी पत्र क्या है वो तो आंख बंद करके कोई भी लिख देगा रट्टा मार, जिसके पास इसका प्रॉपर विजन नहीं है और आपका एग्जामिनर जानता है कि आप शासन या शासकीय स्तर पे आए नहीं हैं, आप बच्चे हैं तैयारी करने वाले हैं, इतना भी अगर आपने लिख दिया वो उसका दिल गदगद हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा आपसे, कहेगा कि यार हाँ बच्चे ने कोशिश जरूर की है। इस टिप्पणी में मैं आपकी बहुत भयंकर वाली कमांड बना दूंगा, मैं आपको वादा करता हूं आपको डरने की जरूरत नहीं, एग्जाम लेवल पे आपका बहुत अच्छा यहां से क्वेश्चन अगर आ गया तो बनेगा, थोड़ा सा धैर्य की परीक्षा होगी, दो तीन क्लासेस, क्योंकि देखो हिंदी में जितनी हमारी टोटल क्लास नहीं लगी तो चार पाँच क्लासेस तो टिप्पणी खाएगा ही खाएगा, आज ही तीसरी क्लास होगी टिप्पण वाली, ठीक है, दो क्लासेस मैं मान के चल रहा हूँ कि और टिप्पण वाली आएंगी, ये मैं क्वेश्चन आज दूंगा, भेजना मुझे, कोशिश करना कि किस तरीके से आप लोग इसको लिख रहे हैं, ठीक है, होपफुली चीज़ें आपकी समझ आई होंगी, फिर मिलेंगे अगले सेशन पे, आप लोग अपना ध्यान रखिए, साथ ही साथ स्टडी विथ योगेश 2.0 पे वनडे एग्जाम के लिए जरूर जुड़िए, ठीक है, थैंक यू।